हेलो एवरीवन दोस्तों, और दो तीन टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। वीडियो में आखिरी तक बने रहिए, और भाई चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि मैंने देखा काफी सारे नए लोग तो आ रहे हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा, और व्हाट्सअप का मैंने अगेन बोलूंगा कि मैंने अपने व्हाट्सअप चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसे जरूर जो है आप जाकर के फॉलो कर लीजिए, ताकि आपको वहाँ पे इन्फॉर्मेशन और मिलती रहेगी। तो सबसे पहले यहाँ पे ओ कनेक्ट को लेकर के कई लोगों ने पूछा है कि सर ओ कनेक्ट का जो यूट्यूब से लिंक वाला बटन है वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए मैक्सिमम लोगों को दिख रहा है, बट बहुत से लोग ऐसे जिन्हें दिखाई नहीं दे रहा, खासकर उन्हें जो कि मोबाइल में चला रहे हैं, हमारा जो क्रिएट करते हैं वेबिनार मोबाइल में, उन्हें नहीं दिखाई देता। तो देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये यहाँ पर यह है कि गूगल क्रोम पे आप जाइए और उसे डेस्कटॉप मोड पर करिए सबसे पहले। तो डेस्कटॉप मोड पर करने के बाद ही आप ओपन कीजिए, जैसे ही आप ओपन करेंगे तो वहाँ पर फिर आप देखेंगे आपको आसानी से जो है दिखाई देगा वहाँ पर जो यूट्यूब का जो बटन है, यूट्यूब के मतलब शेयरिंग का प्लेटफॉर्म जो आ जाएगा वो कनेक्ट से यूट्यूब को कनेक्ट करने का, तो वो आपको दिख जाएगा और रीसाउंड के साइड में आपको नजर आएगा, आराम से आप कर पाएंगे। कई लोगों को ऐसा दिख नहीं रहा है, तो मैं उनको बताऊँ डेस्कटॉप मोड यूज से है, और अगर आप लैपटॉप या डेस्कटॉप पर चला रहे हैं तो इसमें बिल्कुल दिक्कत नहीं आई आ रही है, बिल्कुल बढ़िया वो बटन नजर आ रहा है यूट्यूब से शेयरिंग वाला जो ऑप्शन है ओ कनेक्ट में, राइट। तो ये जो दूसरा यहाँ पे कई लोगों का क्वेश्चन था, कई लोगों ने यूट्यूब पे कमेंट्स भी किया है, जो किसी ने मैसेज भी किया है, तो वो ये था कि हमें जो है यूजर नहीं मिले हैं, जबकि मेरे जो जिन्होंने स्पॉन्सर किया था या जो मुझे लेकर के आए थे ऑन पैसे में, उन्हें यूजर दिखाई दे रहे, मुझे नहीं दिखाई दे रहे, जबकि किन किन का तो जीरो टीम था उन्हें भी यूजर दिखाई दे रहे हैं, मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए यूजर जो कंपनी की तरफ से मिल रहे हैं कहीं ना कहीं वो अभी आपको कई लोगों को दिखा रहा है, किसी को नहीं दिखा रहा है। अब ये एक ग्लिच भी हो सकता है कि ये सही नहीं हो, लेकिन 99% या सही भी हो सकता है कि भाई ये कंपनी की तरफ से मिल रहा है, लेकिन जिन लोगों को अभी यूजर नहीं मिले तो पैनिक नहीं हुई है, बिल्कुल मत टेंशन लीजिए कि आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि कंपनी की ऑफिशियल जब तक अपडेट नहीं आती है कि यूजर किसको मिलने कितने मिलने, तब तक अभी जो है जो भी चल रहा है उसे वैसे चलने दीजिए कहीं, क्योंकि कई लोगों ने बोला है कि हमने जो पैकेज भी बाय कर लिया है अपने जो इसमें, फिर भी हमें जो यूजर नहीं दिखाई दे रहे, तो वेट करिए यार, आपको भी यूजर मिलेंगे, जस्ट रिलैक्स रहिए, क्योंकि ये कंपनी की अपडेट पर डिपेंड करेगा वो कितने कितने टाइप के यूजर आपको देने वाला है, तो 100% वो मिलना ही है, कंपनी अपने पास तो रखेगी नहीं, हम सभी को बांटना है कहीं ना कहीं, तो बस उसका वेट करना जरूरी है। और एक और चीज है यहाँ पर, कई लोगों ने क्वेश्चन किया है कि उन्होंने पैकेज बाय किया था और अभी तक उन्हें जो है उन्हें रिफंड भी नहीं आया है, और पैकेज भी जो है उनका बाय नहीं हुआ है, मतलब रिफंड जो उन्होंने बैंक में भी नहीं ले पाए हैं और अभी तक जो है पैकेज बाय भी नहीं हुआ, तो उनका ओ कॉइन 107 जो ओ कॉइन है वही नजर आ रहा है, और सपोर्ट में भी टिकट लगा है, तो सपोर्ट में टिकट लगाने की जरूरत ही नहीं है। आप देखिए बैक ऑफिस में जाइए, अपडेट सेशन वहां पे एक गूगल शीट है सिंपल, उसमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने, आप वहां पर जाकर के अपना सबमिट कर दीजिए, आपको सपोर्ट में टिकट लगाने की जरूरत नहीं है। और अगर नहीं आया है 48 आवर्स भी हो चुका है तो भी आई थिंक वेट करना चाहिए, क्योंकि बार बार आपको जो है वहां पर गूगल शीट में डालने की जरूरत नहीं है, कुछ चीजें जैसी होंगी एकदम अपग्रेड हो जाएंगी तो ऑटोमेटिकली वो आपका या तो पैकेज बाय हो जाएगा या रिफंड आएगा। 99% चांस है कि आपका यहां पर जो है आप पैकेज बाय कर पाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा डिले भी हो सकता है कई वजह से, जो है आप पैकेज बाय करने गए और आप पैकेज बाय नहीं कर पा रहे तो कुछ कारण से डिले भी हो सकता है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि आपका जो पैकेज आपने बाय किया है वो आपको रिफंड नहीं आएगा या आपका पैकेज बाय नहीं होगा, तो आपको अगेन वेट करना है। अगर 48 आवर्स भी हो चुके हैं तो हो सकता है कभी कभी 72 आवर्स भी लग जाता है, क्योंकि प्रॉपर कई बार जवाब नहीं आ पाता है, और बिना जवाब आए भी आपको मेल वगैरह पे जवाब नहीं भी आए, और हो सकता है आपका पैकेज बाय हो जाए, तो अपना जो आपने पैकेज बाय किया था उसे कंटिन्यू चेक करते रहिए कि कहीं आपके उसमें जैसे वो कॉइन अगर हट गए होंगे वहाँ से 107, तो इसका मतलब है आपका पैकेज बाय हो गया है, तो रिफ्रेश करके चेक करते रहिए कंटिन्यू, तो डेफिनेटली आपका ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। बस ये दो तीन इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ में शेयर की थी, और अगेन बैक ऑफिस की अपडेट पर बने रहिए, अच्छा वीक डेफिनेटली ये जाने वाला है, तो बाय बाय गाइस एंड लव यू ऑल।